जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आखिर दिल्ली पुलिस कितना जलील होगी, आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे, जानते हैं दोस्तों। जब दिल्ली पुलिस को वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जब इन्हें लतियाया गया था दिल्ली की सड़कों पर, उस वक्त ये इतना जलील नहीं हुए थे जितना कल JNU प्रकरण पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को जलील किया है। इसका सबसे पहला प्रमाण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल अंत में जो ये मंजर उभर कर आता है। जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए MS रंधावा और टिरके साहब से, जो कि इन्वेस्टिगेटर हैं इस पूरे मामले के, दोनों पिछली गली से निकल गए। जी हां, जब सवालों के जवाब ना हो तो जाहिर सी बात है आपको पलायन करना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है। और दिल्ली पुलिस पिछले कुछ अरसे से लगातार बता रही है कि जैसे ही उसका सामना ताकत से होता है, जैसे ही उसका सामना सत्य से होता है, वो अपने घुटने टेक देती है। वो दिल्ली पुलिस जिस पर जिम्मा है हमारी रक्षा करने का। आज मैं आपको बोल के लब आजाद है तेरे में सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से आंशिक सत्य का सहारा लिया, झूठ बोला, गलत बयानी की और सुविधावादी तरीके से कुछ वीडियोस का इस्तेमाल करके अपनी बात सामने रखी। और यही नहीं, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कल इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन ने ABVP का पर्दाफाश किया, उसके भी कुछ पहलू हैं मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले दिल्ली पुलिस का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं सबसे अजीबोगरीब बात क्या है, दिल्ली पुलिस ने अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लेफ्ट यूनियन की चारों स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट फ्रंट की चारों स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबका बाकायदा नाम लिया। मगर जो दो ABVP के कार्यकर्ता उसमें पकड़े गए उनका नाम तक नहीं लिया गया है। इससे पता चलता है कि इस दिल्ली पुलिस को किस कदर डर लगता है BJP से, डर लगता है RSS से, डर लगता है सत्तारूढ़ जो सरकार चला रहे हैं लोग, और डर लगता है ABVP से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने यह भी बता दिया कि लेफ्ट के स्टूडेंट्स थे, आपने यह भी बता दिया कि बाहरी लोग हो ही नहीं सकते, तो मेरा आपसे सवाल कि आपने उन दो छात्र जिनका आपने जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये क्यों नहीं बताया कि वो ABVP के सदस्य थे। अब दूसरी बात पर गौर कीजिए, वो आयशी घोष JNU SU की प्रेसिडेंट जिसके सिर पर लाठी से वार किया गया, जिस पर FIR दर्ज हो गई है, जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, दिल्ली पुलिस क्या आपने इस बात की बिल्कुल भी पड़ताल नहीं की कि उसके सिर पर लाठी किसने मारी? उसके खिलाफ FIR तो आपने दर्ज कर दी है, मगर आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तस्वीर दिखा के कहा कि देखिए यह प्रमाण है कि आयशे घोष जो हैं वो भीड़ का नेतृत्व कर रही हैं, नकाबपोश लोगों का नेतृत्व करके हिंसा कर रही हैं। सिवाय इस टू डायमेंशनल वीडियो के इसके अलावा कोई तथ्य आपके पास मौजूद नहीं है यह बतलाने के लिए कि आयशी घोष जो है हिंसा खुद कर रही थी। क्या आयशी घोष ने नकाबपोश लोगों से यह कहा कि तुम मेरे सिर पर लाठी मारो और खुद को घायल कर दिया? कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए दिल्ली पुलिस, जहां आप इस झूठ से उभर सकें। बात यानी उभर कर आती दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा, खुद दिल्ली पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया कि आज जो हम आपको प्रमाण बता रहे हैं ये तमाम वीडियोस हमें ABVP ने मुहैया कराए। ये इतने बेशर्म हैं, इतने ज्यादा बेशर्म हैं कि इन्हें यह बात बताने में भी शर्म नहीं आ रही कि जो तुम सबूत बता रहे हो वो सबूत तुम्हें ABVP ने मुहैया कराया, जो कि इस पूरे मामले में एक पार्टी है। क्या आज तक आपने देखा है दिल्ली पुलिस की एक तरफा जांच, जहां आप जो प्रमाण भी पेश कर रहे हैं वो भी ABVP के प्रमाण पेश कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने यह भी नहीं हमें बताया कि मैं लगातार आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस नकाबपोश लोगों को JNU के बाहर एस्कॉर्ट कर रही है, ये आसानी से निकल रहे हैं, क्या आपने इसकी जांच की? चूंकि दिल्ली पुलिस उस रात को इन्हें एस्कॉर्ट कर रही होगी तो जाहिर सी बात है आपके पास इनका कॉन्टैक्ट होगा,
तो पिछले 4 या 5 दिनों की जांच में क्या आपने पता किया कि ये नकाबपोश लोग कौन थे? यही नहीं, इसी मंच पर मैंने आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश की थी दोस्तों। ये 3 कार्स की तस्वीरें देखिए, ये वो कार्स हैं जो अमित शाह की जिस दिन रैली हुई थी वो कार सीधे वहीं से आ रही थी और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर पार्क थी। क्या आपने इन कार मालिकों के ओनर्स से कांटेक्ट किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहरी लोग आए थे, वो इन्हीं कार्स में बैठकर आए थे? ऐसे में आपकी जांच अधूरी ही नहीं, बेमानी भी है। इसके अंदर आपकी बेशर्मी दिखाई दे रही है। क्या आपको इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? दिल्ली पुलिस में जो व्यक्ति इस मामले की जांच कर रहा था, टिरके साहब, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि साहब आउटसाइडर्स का हाथ ही नहीं हो सकता, जबकि मैंने आपको वीडियो दिखाया कि आउटसाइडर्स किस तरह से बाहर आ रहे थे। उनका यह तर्क है कि साहब बाहरी व्यक्ति को आने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वो अपना नाम लिखवाए, ये बताए कि अंदर कौन उसका कॉन्टैक्ट है। इसका पर्दाफाश कहीं ना कहीं इंडिया टुडे का स्टिंग ऑपरेशन ने कर दिया है, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। मगर मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यहां पर ये लड़की आती है और अपना मिडिल फिंगर दिखाती है, आप देखिए ये वीडियो। This is the girl who said she is a genuine student. She is not. She was there in India. एक पड़ताल में पाया गया है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इस बात पर आगे पढ़े कि ये जो लड़की है ये एक आउटसाइडर है जिसका नाम है के शर्मा। मैं इसका पूरा नाम नहीं बता रहा हूं, मैंने इसकी पहचान भी छुपाई हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे। इस लड़की का चेहरा पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त सार्वजनिक है, मगर मैं बोल के लब आजाद है तेरे में इसकी पहचान नहीं दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे, इसकी पड़ताल करे, क्या कहीं आउटसाइडर तो नहीं है। जो चीज आपके सामने परात में रखी हुई है दिल्ली पुलिस, आप उसकी जांच ही नहीं कर रहे हैं। आप जांच क्या कर रहे हैं? एबीवीपी जो आपको सबूत मुहैया करा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। और दोस्तों जानते हैं हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो सक्रिय हो गया है। मसलन ये तस्वीर देखिए, वो ये बता रहे हैं कि जेएनयू एसयू की जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि आयशे घोष, वो एक दिन तो बाईं तरफ अपना प्लास्टर बांधे हुए हैं और दूसरे दिन अपना प्लास्टर राइट हैंड में। जबकि ये जांच में पाया गया है कि जो आप इमेज एक तरफ देख रहे हैं वो असली है और जो दूसरी इमेज है वो फ्लिप्ड इमेज है। मगर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल को लगता है कि वो किसी भी तरह का कचरा, किसी भी तरह का गोबर बोल सकती है और उनके जो भक्त हैं, उनके समर्थक हैं, इसे ग्रहण भी कर लेते हैं। अरे मेरे भाइयों, कहीं तो दिमाग पर जोर दो, कहीं तो हिम्मत दिखाओ, कहीं तो सच को परखने की कोशिश करो। तुम किसी भी चीज को मान लेते हो, यानी कि हद है बिल्कुल। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक वीडियो सामने दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आयसा का एक सदस्य एबीवीपी के छात्रों की पिटाई कर रहा है। बल्कि हकीकत यह है कि जो शख्स पिटाई कर रहा है इस तस्वीर में, इस वीडियो में, इसका नाम है शारविंदर और यह एबीवीपी से जुड़ा हुआ है। मगर प्रोपेगेंडा मशीनरी ने अपने इस स्टूडेंट का परित्याग कर दिया, इसे आयसा का बता दिया। झूठ की फहरिस्त और भी लंबी है, यहां तक कि आज तक का जो स्टिंग ऑपरेशन सामने उभर कर आया है उसके बारे में भी एक झूठ का प्रसार किया जा रहा है। इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी झूठ का प्रसार किया जा रहा है। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक का स्टिंग ऑपरेशन दरअसल कहता क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आज तक के एक पत्रकार हैं आशुतोष मिश्रा, उन्होंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या कहा है, यह सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले वो बताते हैं कि अक्षत अवस्थी, जो कि एबीवीपी का एक सदस्य है, बीए फ्रेंच का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने इस बात को माना कि उसने पूरे मॉब को मोबिलाइज किया, एक लड़के पर हमला किया जिसकी दाढ़ी थी और जो कश्मीरी की तरह दिखता था। ये वो तस्वीरें हैं अक्षत अवस्थी की जो इंडिया टुडे के इस एक्सपोजे से सामने उभर कर आए हैं। अब जो दूसरा शख्स है एबीवीपी का, रोहित शाह, यह कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने मदद की, मुझे इस बात का गर्व है। मैंने क्या किया, मैंने जो मेन अटैकर था, जो असली हमलावर था, उसे एक हेलमेट भी दिया था।
और ये शख्स रोहित शाह, जो कि एबीवीपी का एक्टिविस्ट है, कथित तौर पर वो ये भी कह रहा है कि हमें पुलिस ने भी कहा कि तुम उनकी मरम्मत करो, उनकी पिटाई करो। उनके स्टिंग ऑपरेशन में आयसा की एक्टिविस्ट गीता कुमारी का भी जिक्र है। वो बता रही है कि किस तरह से हमने सर्वर रूम को बंद किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके। मगर दोस्तों, गीता कुमारी ने जो बात कही है ना, वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि उन्होंने किसी तरह की हिंसा की थी। हां, सर्वर रूम बंद किया और अगर कानून के तहत ये नाजायज है तो आप एक्शन लीजिए। मगर जो और तमाम चीजें उभर कर आ रही हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं, इस पर हिंसा कर रहे हैं। मगर जैसा कि एबीवीपी का अंदाजे बयां होता है, एबीवीपी ने इन दोनों विद्यार्थियों को, अक्षत अवस्थी और जो ये दूसरे शख्स हैं जिसका नाम रोहित शाह है, इन दोनों को ही मानने से इनकार कर दिया है एबीवीपी का। मुझे कहीं ना कहीं इतिहास याद आ गया दोस्तों, आपके सेट्स पर ये स्क्रीनशॉट जिसमें आरएसएस ये कह रही है कि गोडसे हमारा नहीं था। जी हां, यानी कि अक्षत अवस्थी और ये जो दूसरे शाह साहब है, दोनों गोडसे बन गए हैं 2020 के। अब आशुतोष मिश्रा ने इस अपने ट्वीट में ये भी कहा है, जो कि इंडिया टुडे का ये स्टिंग ऑपरेशन था, कि जेएनयू का सिक्योरिटी गार्ड जीवी थापा क्या कहता है, 10 से 15 लोग जबरदस्ती घुसाए, पहली बात। दूसरी बात, जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे सीनियर्स से बात करो। यही नहीं, उन्होंने मुझे धमकाया जो बाहरी लोग आए, वो बाहरी लग रहे थे, उन्होंने गार्ड्स को गालियां दी और यह भी कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो गेट्स खोल दो। 7:30 बजे बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो घुस आए। यानी कि एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिससे कहीं ना कहीं एबीवीपी के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। अब हो क्या रहा है दोस्तों इसके तुरंत बाद, कि जैसे मैंने कहा ना, ये लोग सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं और यहां के पैदल हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस स्टिंग ऑपरेशन के इस स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया और ये कहा कि दरअसल अक्षत अवस्थी का इंटरव्यू 22 अक्टूबर को लिया गया था, क्योंकि इस वीडियो में भी जो टाइमलाइन दिखाई दे रहा है वो 22 अक्टूबर 2019 है। इन लोगों को यह बात नहीं समझ आती कि अगर कैमरामैन, क्योंकि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, कि अगर कैमरामैन अपने काउंटर्स को एडजस्ट नहीं करता तो हो सकता है पुरानी डेट दिखाई दे। मगर ये कुछ भी बोलते हैं और इनके समर्थक किसी भी बात का विश्वास कर लेते हैं। क्यों, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह शख्स है अमिताभ सिन्हा, ये जेएनयू से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के भी नेता हैं। इन्होंने कल एक डिबेट में कन्हैया कुमार को दो बातें कही। पहली बात क्या कही कि ठोक देंगे, और दूसरी बात इन्होंने गोड से जिंदाबाद कही। और जब उस कार्यक्रम के जो संचालक थे उन्होंने उनसे कहा कि भाई ठोक देंगे से क्या मतलब है, आप हिंसा को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम इन्हें अदालत से ठोक देंगे। दोस्तों, अगर आप इस सरकार के और इनकी विचारधारा के समर्थक भी हैं तो आप खुद इस बात पर अपना दिमाग लगाइए कि अगर आप अदालत का सहारा लेते हैं तो आप ठोक देंगे शब्द का इस्तेमाल थोड़ा ना करते हैं, और गोड से जिंदाबाद। यानी कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो बात कही थी वो तो बीजेपी में रच बस गई है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को औपचारिक तौर पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि गोडसे उनके नायक हैं। ये जो तुम ढोंग करते हो ना महात्मा गांधी के नाम का या सरदार पटेल के नाम का, इससे बंद करो, ये बीजेपी गोडसे की बीजेपी है। दोस्तों, मैं न्यूज क्लिक से दो छात्रों ने बात की जिनका जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में किया था, एक पंकज और एक डोलन। मैं चाहता हूं आप दोनों की बातें सुने, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इनकी बात तो कर दी मगर इनकी बात कोई नहीं कर रहा है। मेरा नाम दोलन है और मैं एमफिल रिसर्च स्कॉलर हूं जेएनयू में, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। आज दिल्ली पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उन्होंने सस्पेक्ट्स का नाम लिया है और उसमें मेरा नाम भी है, और मैं दिल्ली पुलिस से यही पूछना चाहूंगी कि आप किस बेसिस पे नाम ले रहे हैं। सबसे पहले आप ये तो बताइए कि जो फोटो आपने देखा वो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का है, 5 तारीख की सुबह का है।
5 तारीख के सुबह वहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से एबीवीपी के छात्रों ने, जब स्टूडेंट्स ने उनको कुछ नहीं बोला, उनको पीसफुली अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जाने दिया, उसके बाद भी कंटिन्यूसली उन्होंने महिलाओं की वीडियोस बनाए जो वहाँ पे ह्यूमन चेन बना के खड़े थे, स्पेसिफिकली इस रीज़न की वजह से कि एबीवीपी का वायलेंस ना हो, क्योंकि 4 तारीख को दो लोगों का, बहुत डीपली दो लोगों को इंजर किया गया था, एक महिला जिनका हाथ पे चोट लगा, एक और महिला जिनका पूरा पैर टूट गया, और जेएनयू से जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ साथ भी बहुत वीडियोस आए हैं जिसमें विवेक को मारा जा रहा है, जो हमारे वाइस चांसलर ने ट्वीट किया सेइंग कि एबीवीपी का लोग पिट रहा है, बट इट वाज एक्चुअली द ऑपोजिट, एबीवीपी का लोग पीट रहा था। तो आज के मैटर में भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई वॉज इन साबरमती, मैं साबरमती में थी, मैंने पूरे जो 60 लोग थे जो बाहर गए, मैंने उनको देखा, मेरे साथ 10 और महिलाएं थी जिन्होंने सबको देखा, एंड वी रिकॉग्नाइज देम। आप लोगों ने हमसे आके एक बार भी नहीं पूछा, आप मेरे से आप अपना व्हाट्सएप का रिकॉर्ड्स दिखाइए कि हम लोगों ने आपको वीडियोस भेजे हैं कि नहीं, फोटोज भेजे हैं कि नहीं, आइडेंटिफाइड। जब RSS एंड इस फॉलोअर्स करके ग्रुप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एबीवीपी के लोगों ने अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNU हैव प्लान्ड दिस बिगर टेररिस्ट अटैक ऑन JNU, उसके बाद भी आप हमें इंटिमिडेट करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और मैं JNU का रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज आप लोगों को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी अभी मैंने पता चला मुझे कि एक बार दोबारा मेरे नाम को उछाला जा रहा है। 2 महीने पहले भी मेरे नाम को जो है ग्यारह नवंबर को एज ए मोइनुद्दीन हूँ, मैं 47 साल का बुढ़ा हूँ, केरला से हूँ, मुसलमान हूँ, यहाँ 30 साल से पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से मेरी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई। ये तो IT सेल का काम था। आज दिल्ली पुलिस खुले तौर पे मेरे नाम को बदनाम कर रही है और मेरे नाम पे एक झूठा केस बना रही है कि एक व्यक्ति है, ये पंकज मिश्रा है या नकाबपोश है। जो भी उस फोटो की सच्चाई हो मुझे नहीं पता है कहाँ से उनको मिला है। मेरा सिंपल सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपनी जांच कर लें, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की हिंसा में शामिल है कि नहीं है, आपके पास प्रूफ है कि नहीं है। आप किसी भी ऐसे ही वीडियो के आधार पे कोई व्यक्ति कहीं टहल रहा है उसको फोटो दिखा के उसका नाम लेके आप पब्लिक में उसे ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। आप जानते हैं दोस्तों, मेरे एक जान पहचान वाले हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई ये JNU के स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हैं, ये इस तरह से विवादों में क्यों शामिल हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी को लगातार 2016 से बदनाम किया जा रहा है, उनके विद्यार्थियों पर फब्तियां कसी जाती हैं, तो वो अपने वजूद की लड़ाई तो लड़ेंगे ही ना। और आज की तारीख में, आज से नहीं कई सालों से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय मुद्दों के मंथन की एक भूमिका निभाता रहा है, यह केंद्र रहा है। और सिर्फ इसलिए कि सत्ता में BJP है तो वो अपनी भूमिका नहीं बदल देगा। मगर हो क्या रहा है कि ये लोग लगातार इसी तरह से JNU को भड़काने की काम कर रहे हैं, गलत बयानी के जरिए, झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए ये सिलसिला लगातार जारी है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मेरा कोई शो सामने उभर कर आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार।